अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक मॉड्यूलर बॉक्स स्विच सॉकेट की वायरिंग कैसे करते हैं बताने वाला हूं। आप 16 एम सॉकेट में बड़े से बड़ा आइटम लगा सकते हैं, जैसे कि फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, मिक्सर है, जिसका प्लग 16 एम्स का होता है वो इसमें लगा सकते हैं। और आपके जो बड़े बड़े आइटम्स होते हैं, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, ये सामान आपके ख़राब नहीं होंगे। जैसा कि अगर ऊपर से लोड ज़्यादा आएगा तो डायरेक्ट एमसीबी पर लोड गिरेगा, लोड गिरकर एमसीबी नीचे गिर जाएंगे, आपका कोई आइटम ख़राब नहीं होगा, बस एमसीबी नीचे गिर जाएगा। एमसीबी चालू करने के बाद फिर करंट आ जाएगा आपका। दोस्तों, तो अब हम वायरिंग करेंगे। 1.5 का वायर का एक टुकड़ा ले लीजिए आप। ये दो स्विच हैं, एक स्विच से यहाँ से स्क्रू पहले खोल लेते हैं। यहाँ से वायर सीधा एल में आएगा, यानी कि इधर एल लिखा हुआ है, आपको नज़र आ रहा चाहे। इधर वायर कनेक्ट करना है यहाँ से इस पर। अभी मैं इसको वायर कनेक्ट करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, देखा मैंने स्विच का वायर लगा लिया हूँ, जैसा इधर लगाए हैं वैसे ही यहाँ से इधर ना लगाए, ये न्यूट्रल है, यहाँ से सीधा एल पे फिर इधर एल आएगा। आपको स्विच के ऊपर से स्क्रू खोलकर फिर इधर वायर लगाना है। दोस्तों, इसका भी मैंने वायर जुड़ा लिया है। इसके बाद हम न्यूट्रल का वायर लगाएंगे। ये जो एन दिख रहा है आपको, यहाँ से सीधा फिर ये न्यूट्रल में एक वायर यहाँ से यहाँ कनेक्ट करेंगे हम। दोस्तों, न्यूट्रल का वायर भी इधर लगा लिए हम, इसमें मिलाना नहीं है, बस इस तरह से इसको साइड में रख दीजिए एक बार न्यूट्रल लगा लेके। उसके बाद ये जो स्विच, दो स्विच है, स्विच के नीचे दो स्क्रू हैं, ये दो स्क्रू खोल लेने के बाद वायर को इस तरह से छील लें। दोस्तों, जैसा कि मैंने वायर को काट लिया, इसके बाद स्विच में लगा लेना है। दोस्तों, ये वायर भी मैंने जोड़ लिया स्क्रू टाइट कर लेने के बाद, कि स्विच के नीचे के दो स्क्रू है टाइट कर लेना है। उसके बाद अब बचा है एमसीबी का, जो इसमें से दो तारें लेने के बाद डायरेक्ट एमसीबी में नीचे वायर आना है, याद रखना नीचे आना है वायर। उसके बाद अब एक वायर का टुकड़ा ले लीजिए, आपको जितना मीटर लगता है आप लगा ले सकते हैं, मैं सिर्फ 2 मीटर का वायर लगा रहा हूँ। ये जो फेस का वायर है, एक वायर आप एमसीबी में ऊपर जोड़ दें। दोस्तों, दरअसल वायर में अंदर डालना भूल गया, ये वायर को पहले बॉक्स के अंदर से ले लें। बॉक्स के अंदर लेने के बाद एक वायर एमसीबी में ऊपर लगा दिया जाए। इसके बाद बचा एक वायर न्यूट्रल का वायर, ये न्यूट्रल का वायर इसमें मिला लेने के बाद सॉकेट का जो मैं बताया था आपको एन, जिसमें एन लिखा हुआ रहता है, उसके अंदर ये वायर लगा देना है। दोस्तों, एक बार ध्यान से देख लो वायरिंग। इसके बाद हम बोर्ड फिटिंग कर लेंगे। दोस्तों, मैं बोर्ड को पूरा फिटिंग कर लिया हूँ, अब हम करंट चेक करें। और जैसा कि 2 मीटर वायर लगा लिया हूँ बोला था, लगा लिया हूँ, उसके बाद ये करंट में लग गया। आपको चेकिंग यानी दिखाने के लिए मेरे पास एक लाइट है, ये लाइट मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ। ये सॉकेट में लगा दिया, स्विच भी चालू है।
मगर लाइट इसलिए नहीं आ रही कि एमसीबी बंद है। एमसीबी चालू करने के बाद लाइट चालू हो गई, स्विच बंद करा, बंद हो गई, और एक सॉकेट में लगा रहा हूँ, चालू हो गया, स्विच बंद करा, बंद। एमसीबी बंद करने पर ये पूरा बोर्ड ऑफ हो जाएगा आपको। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, जो सब्सक्राइब्स ना करें वो सब्सक्राइब्स कर दो यार। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं दोस्तों। जब तक के लिए।